हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरुन्निसा हूँ। मूंग दाल के पोंगन आलू बना रही है। मूंग दाल है, मूंग दाल को रात में भिगा के सुबह में क्या करना, सुबह में ऐसा पीस लेना। इसमें अदरक मिर्ची डाल के नमक डाल के पीस लेना। उसके बाद जो है सो ये है ना, ये कोतमीर, प्याज, जीरा, हरी मिर्ची, थोड़ा कड़ी पत्ता इसमें मिक्स कर लेना है। चूल्हा गरम कर रही हूँ, पोंगनाल का तवा है ये। इसको थोड़ा रखी, गरम को रखी मैं, थोड़ा गरम है तो अच्छा था। उल के मिला लेना। अच्छा, मूंग दाल बोलते, मूंग दाल के चीले भी बनाते ना, पेसरट्टू बोलते तेलुगु में। मैं ये ट्राई कर रही हूँ पोंगनाल बोल के। मैं थोड़ा डाल देना, थोड़ा कम ही डाले तो अच्छा रहता, समझा, ज्यादा फूल नहीं ऐसा। उसके बाद थोड़ा अच्छाई पे रखना है। थोड़ा बटर लगा के रखी मैं, ऑलरेडी बटर लगा के रखी। उसके बाद थोड़ा तेल डाल देना, पहली बार बोल के बटर लगे चिपकता नहीं बोल के। तेल का काम करके बटर यूज करो, वो रहना आजकल बटर ही ज्यादा यूज कर रहे हम लोग। उसके बाद ज़रा 2 मिनट पकने के लिए रखना है। 2 मिनट के बाद आप देखना बटर नहीं बोल, 2 मिनट के बाद ऐसा निकाल देना। कलर गोल्डन ब्राउन आना, अच्छा टेस्ट है। अच्छा, 2 मिनट के बाद फिर पलटाने के बाद फिर आप निकाले सकते। देखो चमचे से आ जा रहा है, ऐसा आ जाना चमचे से, इजी आ जाना। फिर थोड़ा तेल डाल के, थोड़ा ज्यादा नहीं लगता इसको तेल, थोड़ा ही डालना पड़ता। फिर देखो दूसरा भी ट्रिप भी पूरा हो गया। मूंग की दाल के चीले बनाते ना, वही आटा मूंग से है ये। मूंग को रात में भिगा के सुबह में अदरक और जो है सो थोड़ा हरी मिर्ची डाल के पीस लेना, नमक डाल के सुबह में ऐसा बैटर सुबह में पीस लेना, रात में भिगा के। पोंगन आलू बोलते इसको, तो मैं ट्राई करी ऐसा नया। टमाटे की चटनी के साथ था, कौन सा भी चटनी ले सकते, वैसे ही कुछ भी नहीं है। देखो मूंग की दाल के पोंगन आलू रेडी हो गए। अभी आप भी बनाओ, टेस्टी टेस्टी रहता गरम गरम। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा रहे तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात।